सीजी बोर्ड के समस्त विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे कठिन से कठिन विषयों को बहुत आसानी और रोचक तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमारा जो यह ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उसे सपोर्ट करते रहिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स मित्रों तक हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे चैनल से जरूरतमंद सारे बच्चे जुड़ जाएं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के समस्त विद्यार्थियों को जोड़कर फ्री में एक एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जहां बच्चे कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते वहां भी हमारी सुविधा का लाभ पहुंचाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो जैसा आप लोगों को हमारे चैनल के बारे में कुछ समझ आया होगा, तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि फिजिक्स या भौतिकी के पेपर जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, उसका ब्लूप्रिंट कैसा रहता है, वो सब हम इसकी चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। क्लियर? तो अंत तक हमारे इस वीडियो लेक्चर पे बने रहिएगा। और साथ ही साथ एक बात कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल एक नोटबुक मेंटेन करते चलें और हमारे क्लास के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारे के सारे मटेरियल आपको यहाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना नोटबुक तैयार करते चलिए, ठीक है। तो आज हम यहाँ फिजिक्स के सिलेबस की बात करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट कैसा रहने वाला है वो देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी हमारे वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। तो फिजिक्स या भौतिकी का जो पेपर है वह दो भागों में बटा हुआ है, एक होता है थ्योरेटिकल पेपर और एक होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक पेपर। सैद्धांतिक पेपर पे कुल अंक हमारे लिए यहाँ दिया जाता है कितना, 70। 70 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्रायोगिक परीक्षा की बात करें तो प्रायोगिक परीक्षा के लिए 30 अंक निर्धारित किया गया है। कुल मिला के 100 अंक का हमारा जो है बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो फिजिक्स का जो हमारा टारगेट रहेगा स्टार्टिंग से लेके, इनिशियल से लेके, जीरो से लेके, कि हमारा टारगेट हमेशा 100% का ही रहेगा। हम 100% से कम नहीं सोचेंगे। जैसा आप सभी को पता है कोरोना वायरस के कारण बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और ये बात तो आप बिल्कुल मानो या ना मानो, आपके स्कूल में पढ़ाई प्रभावित होना तय है इस वर्ष के लिए। तो यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए एक वरदान साबित हो जाएगा। बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहें और पढ़ाई का आनंद लें, क्योंकि आपकी क्लासेस और आपका जो एग्जाम है वो तो नहीं रुकेगा। कुछ दिनों में स्थिति सही हो जाएगी और चलेंगी, लेकिन स्कूल अभी फिलहाल खुलने को नहीं है। तो आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो जुड़ना जरूरी है हमारे साथ। तो देखो, जैसा मैंने बताया 100 अंक का पेपर होना है, जिसमें से 70 अंक जो है थ्योरेटिकल और 30 अंक जो है प्रायोगिक में मिलेंगे। अगर हम बात करें इस फिजिक्स के पूरे सब्जेक्ट की, तो यहाँ हमें 10 इकाई मिलेंगे। इकाई के हिसाब से इसे विभाजित किया गया, 10 इकाई मिलेंगे। यहाँ वन बाई वन देखेंगे, पहले इकाई की बात करें तो यहाँ पे दो अध्याय है हमारे पास। देखो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, पहला अध्याय जो है या पहला इकाई जो है, पहला इकाई की बात करें तो यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी दिया हुआ है, इकाई वन, जहाँ पे अध्याय नंबर एक विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इकाई नंबर सॉरी अध्याय नंबर दो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये दोनों को दिया गया है। इस प्रकार दो अध्याय मिलाकर यह पहला इकाई जो है बना है। दूसरे इकाई की बात करें तो दूसरा इकाई हमारे पास क्या, विद्युत धारा, जिसमें केवल एक अध्याय है, अध्याय नंबर तीन। और तीसरे इकाई की बात करें तो तीसरे इकाई में भी दो अध्याय है, अध्याय नंबर चार और अध्याय नंबर पांच, जो कि गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और दूसरा अध्याय जो है इसमें चुंबकत्व तथा द्रव्य है, ठीक है। आप इसको देखते जाएं और अपने नोटबुक में नोट करते जाएं, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो इसको बता रहा हूं, है ना।
अगर हम लोग देखें इकाई नंबर चार की, इकाई नंबर चार की बात करें तो इकाई नंबर चार का जो नाम दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, और इसके अंतर्गत दो अध्याय पढ़ने वाले हैं, अध्याय नंबर छह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अध्याय नंबर सात है प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर हुआ सभी को? अगले इकाई की बात करें, इकाई नंबर पांच जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इसके अंतर्गत केवल एक ही अध्याय आपको पढ़ना है जो है अध्याय नंबर आठ, नाम ही है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहां तक क्लियर हुआ होगा सभी को? इकाई नंबर छह की बात करें तो इकाई नंबर छह जो है काफी बड़ा है आपके लिए, जब आप कंटिन्यू इसको पढ़ते जाएंगे तो समझ आएगा। और इकाई नंबर छह प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी के अंतर्गत दो अध्याय दिए गए हैं आपके सिलेबस में, अध्याय नंबर नौ किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र, और अध्याय नंबर दस तरंग प्रकाशिकी। इकाई नंबर सात की बात करें तो इकाई नंबर सात में दिया है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसके अंतर्गत केवल एक ही अध्याय है अध्याय नंबर 11, जहां आप पढ़ोगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति को। क्लियर हुआ? इकाई नंबर आठ में जाएं तो आठ में देखेंगे परमाणु तथा नाभिक दिया हुआ है, जहां दो अध्याय आपको मिलेंगे, दो अध्याय में आवंटित किया गया इसको, अध्याय नंबर 12 जो परमाणु है, अध्याय नंबर 13 जो कि क्या है नाभिक है। अगली इकाई की बात करें तो इकाई नंबर 9 है, इकाई नंबर 9 के अंतर्गत आपको केवल और केवल एक अध्याय मिलेगा जो कि है अध्याय नंबर 14, और अध्याय नंबर 14 में आपको दिया है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इकाई नंबर 10 की बात करें तो इकाई नंबर 10 में आपको मिलेगा कम्युनिकेशन सिस्टम संचार व्यवस्था, जहां आपको केवल और केवल एक ही अध्याय मिलेगा अध्याय नंबर 15 जो है क्या संचार व्यवस्था। तो इस तरह से आपको 10 अध्याय मिलेंगे, 10 इकाई मिलेंगे और अध्याय यहां 15 मिलेंगे। क्लियर हुआ क्या? 10 इकाई और अध्याय 15 मिलेंगे, इकाई की संख्या यहाँ 10 दी गई है, और अध्याय के हिसाब से अगर देखा जाए तो अध्याय हमारे पास या चैप्टर जो है वो मिलेंगे कितने 15। तो हमको पूरे 10 इकाई और 15 अध्याय पढ़ने हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो सारे इकाई अध्याय सब आपको क्लियर होते जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट आपको मिलते जाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। आगे हम लोग इसके बारे में जानकारी देखें तो ये तो रहा, हम लोग एक जनरल डिस्कशन देखें कौन कौन से अध्याय और कौन कौन सी इकाई हमारे इस क्लास 12 के सिलेबस में हमको पढ़ना है। क्लास 12 का सिलेबस क्लास 11 से थोड़ा अलग है, समझोगे? ठीक है, और वन बाय वन मैं इसको पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ ब्लूप्रिंट में ले चलता हूँ आप सभी को, ब्लूप्रिंट कैसा है, कितने कितने मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इकाई नंबर एक जो पढ़ेंगे उसके सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे, और जब मैं इकाई एक का आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें और अच्छे से मैं उसके बारे में आपको सभी को समझा दूंगा। तो हम लोग ब्लूप्रिंट में चलते हैं, ये सब हमारे काम का अभी नहीं है फिलहाल, ये प्रैक्टिकल वगैरह जो है दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके ब्लूप्रिंट की बात करें तो देखो ब्लूप्रिंट कैसा दिया हुआ है, ये रहा ब्लूप्रिंट, देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को। ठीक है, यहाँ देखो सत्र देख के आप टेंशन नहीं लेना कि सर ये तो 2018-19 के लिए है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2018-19 में सिलेबस चेंज होने के बाद ब्लूप्रिंट ये बना था, तैयार किया गया था, जो अभी तक यही ब्लूप्रिंट चल रहा है। क्लियर हुआ? तो 2019-20 में भी यही ब्लूप्रिंट, इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आया था, और जिसमें आप बैठोगे 2020-21 के लिए आप लोगों के लिए भी यही ब्लूप्रिंट रहने की संभावना ज्यादा है। अगर ब्लूप्रिंट में कुछ चेंज होता है तो मेरे चैनल पे आप जुड़े रहो, बिल्कुल हर अपडेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अब देखो ब्लूप्रिंट, जैसा कि हम लोगों को पता है फिजिक्स का जो पेपर है, भौतिक शास्त्र का जो पेपर है, वह कितने सैद्धांतिक नंबर 70 के होने वाले हैं, समय आपको मिलेगा 3 घंटा। और यहाँ हम लोग इसकी बात करें तो कौन कौन से इकाई के कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये देखें, तो जो हमारे पास पहला इकाई है, पहला इकाई क्या था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत और विभव धारिता, दो अध्याय से मिलकर बना था ये इकाई, जहां कुल अंक आपको मिलेंगे 8, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अंक मिलेंगे। ठीक है, और कुल प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं 3, 8 अंक मिलेंगे और 3 प्रश्न, ध्यान रखना 8 अंक आएंगे यहाँ से और 3 प्रश्न मिलेंगे, 8 अंक मिलेंगे और 3 प्रश्न आपको यहाँ दिए जाएंगे हल करने के लिए। प्रश्न कैसा रहेगा, तो एक अंक के लिए, एक अंक के लिए एक प्रश्न, दो अंक के लिए एक, यहाँ पे 2 अंक के लिए एक प्रश्न रहेगा, और 5 अंक के लिए एक प्रश्न रहेगा। पूरी बातें समझ आई क्या? एक अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से मिलेगा। दूसरे इकाई की बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा जो है कुल 7 अंक आपको इस इकाई से मिलने वाले हैं,
जो कैसा रहेगा, तो दो अंक का दो प्रश्न मिलेगा, ध्यान रखना, दो अंक का दो प्रश्न मिलेगा और तीन अंक का एक प्रश्न मिलेगा। टोटल आपको 7 अंक मिलेंगे और 3 प्रश्न रहेगा, ठीक है। इकाई नंबर 3 की बात करें, जहां गतिमान आवेश और चुंबकत्व और द्रव्य पढ़ना है, वहां से आपको 8 अंक मिलेंगे, इस इकाई से 8 अंक मिलेंगे। और यहाँ 3 अंक का एक प्रश्न, समझना बात को, 3 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न मिलने वाला है। इस तरह से इस इकाई में 2 प्रश्न मिलेंगे आपको और कुल अंक मिलेगा कितना, 8। अगली इकाई की बात करें, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा की, तो वहां से भी आपको 8 अंक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जहां 1 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न मिलेगा। कुल मिला के 8 अंक मिलेंगे और 3 प्रश्न रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। 5वीं इकाई की बात करें, वैद्युत चुंबकीय तरंग जो दिया हुआ है, वहां से आपको केवल 3 अंक के प्रश्न आएंगे और एकमात्र प्रश्न आएगा 3 अंक का, वो एक ही प्रश्न रहने वाला है, 3 अंक का एक प्रश्न। क्लियर हुआ। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र तरंग प्रकाशिकी जो इकाई नंबर 6 है, उससे आपको 14 मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा इकाई मैंने पहले ही बताया था, यहाँ से आपको 14 अंक के प्रश्न मिलेंगे। 14 अंक किस तरह से मिलेगा, तो 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का 2 प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न मिलेगा। कुल मिला के आपको 5 प्रश्न यहाँ इस इकाई से मिलेंगे और अंक मिलेगा 14, 14। क्लियर। इकाई नंबर 7 की बात करें, विकरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति की, तो यहां से आपको 4 अंक का प्रश्न मिलेगा, जहां 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न मिलने वाला है, अर्थात 2 प्रश्न मिलेंगे कुल 4 अंक के लिए। इकाई नंबर 8 की बात करें, जहां आपको परमाणु और नाभिक से कुल मिला के 6 अंक का प्रश्न मिलने वाला है, जहां 3 3 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे, एक क्वेश्चन जो है परमाणु से और एक क्वेश्चन नाभिक से, दोनों 3 3 अंक के रहेंगे। इस प्रकार 2 प्रश्न जो है मिलने वाले हैं आपको इसी इकाई से। इकाई नंबर 9 में देखें, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ दिया हुआ है, यहाँ से आपको 7 अंक के प्रश्न मिलने वाले हैं, जहाँ 1 अंक हेतु 1 प्रश्न और 3 अंक हेतु 2 प्रश्न मिलेंगे। ओवरऑल 7 अंक के लिए 3 प्रश्न दिए जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। आखिरी इकाई जो 10वां इकाई है, संचार व्यवस्था है, कम्युनिकेशन सिस्टम, जहां से 5 अंक का आपको सवाल मिलने वाला है, जहां 2 अंक के लिए 1 प्रश्न और 3 अंक के लिए 1 प्रश्न मिलेगा। इस प्रकार आपको पूरा ब्लूप्रिंट यहां मैंने दिखा दिया। और यहाँ एक लास्ट में बात करें, 1 अंक के ओवरऑल आपके पेपर में 1 अंक के 5 सवाल, 2 अंक के 5 सवाल, 3 अंक के 12 सवाल, 4 अंक के 1 सवाल और 5 अंक का 3 सवाल मिलने वाला है। कुल मिला के 70 अंक के प्रश्न आएंगे, 70 अंक के। और प्रश्नों की संख्या की बात करें तो रहेगा कितना, 26, 26 प्रश्न रहेंगे और 70 अंक आपको इस तरह से दिया जाएगा। ये तो रहा ब्लूप्रिंट का भाग। अब देखो, सर ने कोई टाइम पास नहीं किया, ऐसा बिल्कुल मत समझना। मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में एक ओवरव्यू दिया, क्योंकि जरूरी चीज है, अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो तो सबसे पहले उसके बारे में जानना। तो मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में सिलेबस बताया, आगे हमारे साथ जुड़े रहना। कल से हमारे पास अध्याय नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। एक नोटबुक जरूर तैयार करना और आपको बिल्कुल टाइम से वीडियो मिल जाएगा। ग्रुप में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड तक शेयर करें। क्लियर है। सारे फ्रेंड तक आप शेयर करोगे तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। और हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ताकि हम इसी तरह से मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाले वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते रहें। क्लियर हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।